तो गाइस, आज की इस वीडियो में आज हम ये जानेंगे कि आप अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से कैसे पता लगा सकती हैं कि बेबी का जेंडर क्या है, आने वाला बच्चा लड़का है या फिर लड़की है। अगर आपके मन में, अगर आपने प्रेगनेंसी के टाइम पर अल्ट्रासाउंड कराए होंगे तो आपके मन में ये बात जरूर रहती होगी कि बेबी का जेंडर क्या है, FHR से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि गर्ल होगी या फिर बॉय होगा। तो बिल्कुल भी मत घबराइएगा, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में बिल्कुल 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी और जितने सारे आपको अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से लेकर जितने भी आपके मन में डाउट हैं वो इस वीडियो में क्लियर होंगे, बिल्कुल सही जानकारी दी जाएगी। अगर आप जानना चाहती हैं तो प्लीज़ वीडियो को मिस ना करें, पूरा ज़रूर देखें। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल बटन पर प्रेस कर लेना ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल सके और आप तुरंत वीडियो देख सकती हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं टॉपिक पर, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब महिला प्रेग्नेंट होती है, जब उसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है तो पहली तिमाही के अंत तक एक अल्ट्रासाउंड होता है और दूसरी तिमाही के अंत तक एक अल्ट्रासाउंड होता है और जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, मतलब 7, 8, 9 मतलब 7, 8 और 9वें महीने में, लास्ट में हमारा चाहे वो मतलब 9 महीने से पहले अल्ट्रासाउंड हो जाए, तो कहने का मतलब ये है कि पूरी प्रेगनेंसी में हमारे 3 अल्ट्रासाउंड होते ही हैं। ठीक है, तो अगर आपने अल्ट्रासाउंड कराए हैं तो आप जानना ये चाहती होंगी कि लोगों का कहना है कि FHR से हम कैसे पता लगा सकते हैं और हम कैसे रिपोर्ट देखें जिससे कि हमें पता चल जाए, क्योंकि ये गैर कानूनी है। देखिए, कई देशों में ये बैन है, अल्ट्रासाउंड के जरिए हम बिल्कुल पता नहीं लगा सकते कि बेबी का जेंडर क्या है, और आप ऐसा करने की बिल्कुल कोशिश ना करें, आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, आपने कई सारे आर्टिकल्स देखे होंगे जिसमें साफ साफ बताया गया है कि अगर आपके बच्चे की हार्ट बीट 140 से कम है तो बॉय होगा और 140 से ज़्यादा है तो गर्ल होगी। तो गाइस, आपने गूगल पे सर्च किया होगा तो बहुत सारे ऐसे आर्टिकल आपने देखे होंगे, काफ़ी सारी यूट्यूब वीडियोस भी देखी होगी, लेकिन आज के इस वीडियो में आज हम आपको करेक्ट ये बताएंगे कि लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा। देखिए, ये जो हार्ट बीट होती है इसे हम बिल्कुल पता नहीं लगा सकते। क्यों नहीं पता लगा सकते? क्योंकि देखिए, जब हमारा अल्ट्रासाउंड होता है, मान लीजिए हमारा बच्चा सो रहा है तो हम, जाहिर सी बात है, जब बच्चा सो रहा है, कोई हलचल नहीं कर रहा है, तो बच्चे की जो हार्ट बीट होती है वो कम ही आती है, चाहे वो पेट में बच्चा बॉय हो या फिर गर्ल हो। ठीक है, और वहीं अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर रहा है, बहुत ज़्यादा हलचल कर रहा है जब आपका अल्ट्रासाउंड हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो बच्चे की हार्ट रेट है, मतलब बच्चे की जो हार्ट बीट है वो ऊपर आती है, हाई आती है, क्योंकि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा मूवमेंट करता है उस टाइम पर, बहुत ज़्यादा हलचल करता है। इसलिए हमेशा अल्ट्रासाउंड से हम बिल्कुल नहीं जान सकते कि बेबी का जेंडर क्या है। ठीक है, ये बच्चे की मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बिल्कुल पता नहीं लगा सकते हम अल्ट्रासाउंड के जरिए, मतलब FHR से पता नहीं लगाया जा सकता कि बेबी का जेंडर क्या है। तो आप इन अफवाहों में ना पढ़ें, ये मतलब सही नहीं होता है कि 140 से कम है तो गर्ल बॉय होगा और 140 से ज़्यादा है तो आपको गर्ल होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप ऐसा मतलब बिल्कुल भी गलत अंदाज़ा नहीं लगाइएगा, ये कंफर्म नहीं होता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। गाइस, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी टॉपिक पर। टेक केयर एंड बाय।